हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग प्रोजेक्टाइल का कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल में जो हम सब फार्मूले पढ़े हैं, उसका डेरिवेशन किए हैं, उस पर अब हम न्यूमेरिकल आज हल करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आज का नीट 2013 में आया क्वेश्चन है, देखिए। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इतना है। तो ये इनिशियल पॉइंट पर यहां बच्चों जो वेलोसिटी दिया है यू इज इक्वल टू ए टू आई कैप है प्लस थ्री जे कैप है। इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी बच्चों इतना है। तो अब ये हमसे पूछ रहा है यहां पॉइंट बी पर इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी इज, बी पर वेलोसिटी क्या होगा। तो बी पर बच्चों यही जो वेग होता है वही वेलोसिटी यहां होता है, और जिस कोण पे रहता है वही कोण भी यहां पर होता है। तो ये तो एक्स एक्सिस अब भी पॉजिटिव है, लेकिन ये वाई एक्सिस वाला बच्चों ये क्या हो गया। इस दशा में यूनिट वेक्टर आई कैप लगेगा, लेकिन इस दशा में यूनिट वेक्टर अब क्या हो जाएगा बच्चों, जे कैप हो जाएगा। जब ये ऊपर था तो यूनिट वेक्टर इधर था, एक्स एक्सिस में आई कैप भी पॉजिटिव था और वाई एक्सिस में था ये भी पॉजिटिव था, लेकिन यहां ये जे वाला था पॉजिटिव में, लेकिन ये यहां पे नीचे हो रहा है। इसीलिए आपको बच्चों कुछ करना नहीं है, इसमें आई वाला गुणांक और साइन सेम रहेगा और जे वाले का साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप इसका आंसर होगा, आंसर सी इज करेक्ट। तो हम समझते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। हाँ बच्चों, नीट 2013 में आया सवाल है। एक सवाल और बच्चों यहां बन सकता है, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है, हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा, यही आंसर तब भी रहेगा, लेकिन जो है जे वाला यहां जाके क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर कार्य करता है, यहां पे ये निगेटिव हो जाएगा, बस इतनी से अंतर आएगी और यही वैल्यू देखिए यहां पर ये वाला। तो आंसर सी इज करेक्ट, नीट 2013। अगर बच्चों कोई यही इसी सवाल के लिए पी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ ले तो आप क्या करेंगे। तो पी पॉइंट पर अगर कोई वेलोसिटी पूछ ले बच्चों तो आप क्या करेंगे। तो जैसे वी पी, अगर पी पॉइंट है आपका पी, ये कोई पूछ ले तो पी पॉइंट में बच्चों जो वेलोसिटी होता है हॉरिजॉन्टल वाला वो कभी बदलता नहीं है, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी इसमें कौन है, जे वाला है, तो जे वाला पोर्शन नहीं लिखा जाएगा। अगर यहां कोई आंसर होता तो ये बच्चों कितना होता है, टू आई कैप। तो ये आई कैप वाला ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में दर्शाता है जो कभी वेरिएबल नहीं है, और जे कैप वाला जो है ये वाई एक्सिस डायरेक्शन में दर्शाता है, और पीक पॉइंट पे बच्चों वाई वाला क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। तो ये कांसेप्ट देना जरूरी हम समझ रहे थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया जरूर होगा, तो ध्यान दें, तो आप इसे उतार लें। हाँ बच्चों, तो आज का दूसरा सवाल बच्चों है उसे आप लोग देखें। तो दूसरा सवाल ये है, फॉर एन एंगल्स ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एंगल्स 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा द हॉरिजॉन्टल रेंजेज डिस्क्राइब्ड बाई द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। हॉरिजॉन्टल रेंजेज मतलब क्षैतिज परास्त का रेशियो चाहिए बच्चों। एक बार 45 माइनस थीटा एंगल पर फेंका गया, एक बार 45 प्लस थीटा पूछा गया, सब ये मेडिकल में आए सब क्वेश्चन है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दें। तो सॉल्यूशन में देखें तो रेंज का फार्मूला क्या है, तो रेंज का फार्मूला है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो इस फार्मूले से पहले वाले केस के लिए क्या मान लेंगे, आर वन, तो सेम वेलोसिटी है जो कुछ नहीं दिया है, तो साइन टू थीटा का स्थान पे 45 माइनस थीटा अपॉन जी,
इतना हो जाएगा। चलो थोड़ा सा और हल कर लो, तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन टू अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस टू थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस दी थीटा, कॉस दू थीटा अपॉन जी। तो ये आर वन बराबर आया। चलो इक्वेशन वन कर देते हैं बच्चों, और फिर अगले वाले एंगल के लिए देखते हैं। तो आर टू इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, यहां भी टू नाइन सॉरी 45 प्लस थीटा अपॉन जी हो जाएगा। तो ये यू स्क्वायर यहां भी हो जाएगा अंदर जाएगा 90 प्लस थीटा अपॉन जी। तो यू साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी प्लस में ही कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वारिनेट में जाएगा, और सेकंड क्वारिनेट में साइन और कॉस से कॉमन बच्चों पॉजिटिव होता है। तो यहां भी कॉस क्या होगा अंदर दो से गुणा किया 2 थीटा होगा, कॉस 2 थीटा अपॉन जी होगा। तो ये आर टू बराबर भी बच्चों उतना ही आया। तो अगर इक्वेशन वन में इक्वेशन टू से डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा, तो आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू वन अपॉन वन, आर आर वन रेशियो आर टू इज इक्वल टू वन अनुपाते वन हो जाएगा। तो बच्चों इस हिसाब से ऑप्शन वन क्या है करेक्ट है। तो ये भी मेडिकल लाइन में सब परीक्षा में आए हैं, आप इसे सफाई से उतार लें। तो ये चीज और बच्चों बताना था, कभी कभी होता है कि आदमी बोल देता है सही या गलत लिख दिया जाता है। कल एक वेक्टर का सवाल लग रहा था, उसमें ये एक्स प्लेन था यहाँ पे, और यहाँ पे वाई प्लेन था, हमें लगता है यहाँ पे जेड था। कल ये सर्किल वाला सवाल था कल, ध्यान दे बच्चों। तो वहां पे जो हम एरिया निकाले हैं बच्चों, एरिया कुछ आया रहा होगा ख्याल नहीं है इस समय, जो डायरेक्शन है बच्चों ये एक्स वाई प्लेन में है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा। ऊपर की ओर मतलब ये जेड दर्शाया गया, तो यूनिट वेक्टर क्या लगाना चाहिए था, के कैप लगाना चाहिए था, तो शायद कल हम जे लगा दिए हैं। तो आप बच्चों ध्यान दें, इतना गलती को क्षमा करिएगा। तो हाँ बच्चों, आज का तीसरा सवाल ये भी कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर ए वॉल, वॉल मतलब दीवार है ये, 3 मीटर हाई, 3 मीटर ऊंची, एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड फॉल्स माने गिरता है दूसरी तरफ 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दीवार से जो है 3 मीटर दूर गिरता है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वॉल इज, तो एंगल का प्रोजेक्शन बताना है बच्चों। सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन तो बच्चों नहीं देखना चाहिए, सर्वप्रथम जब भी सवाल हम बोले आप वीडियो रोककर पहले सवाल को खुद सॉल्व करिए, आप अपनी स्थिति देखिए उसके बाद ही सवाल को हल करें, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा किए होंगे, उसके बाद हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये दिया है, मान लेते हैं एंगल कितना रहा होगा थीटा, और यहाँ 3 मीटर ऊंची दीवार है ये है, और यहां से ये 6 मीटर डिस्टेंस है, और दूसरी तरफ ये है 18 मीटर डिस्टेंस, ये इतना जानकारी हमारे पास है। ये बॉल यहां से गया और ये 3 मीटर ऊंची दीवार को क्रॉस किया, तो ये दीवार जो है सेंटर यहां से 6 मीटर दूरी पर है, और यहां से यहां जाके जब गिरा तो ये 18 मीटर दूरी पर गिरता है। तो इसका निर्देशांक आप यहां क्या मानते हो, 6 3 यहां के लिए तो ये होगा और जगह के लिए होगा। तो जो प्रोजेक्टाइल पाथा प्रोजेक्टाइल का बच्चों डेरिवेशन हुआ है उस आधार पे हमें ज्ञात कर लेना चाहिए। तो हमारा ये 6 क्या है, ये एक्स हो जाएगा, और ये 3 क्या है वाई हो जाएगा, और यहां से यहां तक ओ से ए तक बच्चों क्या हो जाएगा रेंज आर हो जाएगा,
ओ से ई तक बच्चों रेंज आर हो जाएगा। एक्स मालूम है, वाई मालूम है, रेंज मालूम है, थीटा केवल अननोन है। तो बस बच्चों यही काम हमको करना है, देखते हैं क्या होता है। तो जो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला वाई बराबर एक्स टैन थीटा माइनस माइनस वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस तो y इक्वल टू जो हमारा मेन फार्मूला बच्चों आया था पाथा प्रोजेक्टाइल का y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बच्चों आया था। अब यहां क्या किया जाए, तो इस फार्मूले को थोड़ा सा सुधार किया जाए, एक और फार्मूले में बदला जाए। यहां पे x मालूम है, y हमको मालूम है, और इसे u हमारे लिए प्रॉब्लम है, u हमें न्यूमेरिकल में हमारे नहीं है, तो जाहिर है कुछ करना होगा। ये इस समीकरण की सहायता से बनाते हैं कुछ, चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाए। तो x tan थीटा, तो tan थीटा का मान निकल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस कर लेंगे, cos थीटा का मान भी निकाल लेंगे, और ये अंडर रूट में निकालना पड़ेगा तो और कठिन होगा, तो अगर इधर भी टैन में कन्वर्ट कर ले जाए तो और अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, माइनस ऊपर साइन से गुणा करें, ऊपर साइन थीटा से गुणा करें, साइन थीटा और जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी साइन थीटा से गुणा करें तो टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना गुणा करें आप। तो बच्चों यहां मिल रहा है एक्स टैन थीटा, तो इधर मिल गया, यहां भी आपको मिल जाएगा साइन थीटा अपान एक कॉस थीटा ले लेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो यहां भी मिल जाएगा एक्स टैन थीटा। अगर एक्स टैन थीटा हो गया हो तो बच्चों एक्स साइन थीटा अपान एक कॉस थीटा ये हो गया, तो ऊपर क्या बचा होगा, जी एक्स बचा होगा, और बचा होगा ये टू बचा है, टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है बच्चों। ये फार्मूला और बना ले इसकी सहायता से, बहुत काम का फार्मूला है, इसे और देखें, एक्स टैन थीटा, सॉरी मैं एक्स टैन थीटा को काम ले रहा हूं, दोनों में हमें हमारे पास है तो है वन माइनस एक्स टैन थीटा तो कॉमन चला गया, तो ये मैं लिख रहा हूं इसको एक्स अपान जी को नीचे ले आऊं, तो जी को नीचे ले आओगे तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान ये क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा बच्चों। तो हम समझते हैं, आपको पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये कहां से आया, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा, जो कि रेंज में मैं कर लूंगा, और जी को मैं नीचे कर लिया, तो ये बच्चों हो गया हमारा आर, फार्मूला क्या हो गया आर। तो हम समझते हैं ये सवाल आप उतार चुके हैं, ये हम जो है थोड़ा सा हटा रहे हैं, हमें जगह की आवश्यकता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है जो मैं सूत्र ले आ रहा हूं, अगर ये अरे तो ऑप्शन बिगड़ गया, चलो ऑप्शन पता चल ही जाएगा, ऑप्शन लिख लिए होंगे आप लोग। तो ये जो है बच्चों ऊपर हम ले जाते हैं, तो y इक्वल टू आ रहा है x tan थीटा ब्रैकेट में वन माइनस x अपान क्या आ रहा है, r आ रहा है। तो बच्चों ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया है, हम इसे कहेंगे कि ये तो प्रोजेक्टाइल के लिए मेन फार्मूला है ही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे भी आप याद कर लें, ये बहुत आसान है, कई जगह ये ऐसे खतरनाक सवाल में बड़े आसानी से काम हो जाएगा आपका, मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये फार्मूला बहुत जरूरी है, आप इसे कॉपी में नोट कर लें और डायरेक्ट प्रयोग करें, ये इतना करने की जरूरत नहीं है, ये होता तो और आसानी से काम हो जाता है। अब सब हमें मालूम बच्चों, वाई हमारा कितना है थ्री है, तो थ्री रखें, टेन थीटा हमें थीटा चाहिए ना, थीटा चाहिए तो रहने दो, हमें थीटा चाहिए यार सॉरी, तो ये कह रहा है वन माइनस, चलिए एक्स कितना है, एक्स है सिक्स, और आर कितना है अठारह छह, अठारह दो बीस चार चौबीस, चौबीस इतना आ रहा बच्चों। तो थ्री इज इक्वल टू टेन थीटा वन माइनस
1/4 इतना आ रहा है। चलो इसको आगे यहाँ हल कर देते हैं, तो 3 = tan θ 1 - 1/4 तो ये हो जाएगा बच्चों 3/4। तो कुछ शायद गलती हो गया बच्चों, देखते हैं। यस विद्यार्थी आप लोग ध्यान दें, तो यहाँ y = जो मेरा आया है y = x tan θ आया है, तो आपने x यहाँ नहीं लिखा, आपने x नहीं लिखा, तो x के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, 6। देखिए यहाँ x है तो x की वैल्यू आपने नहीं लिखा, तो x होना चाहिए था, यहाँ भी हो जाएगा क्या 6। तो चलिए ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो आया 4 = 6 tan θ, तो tan θ = 4/6 ये हो जाएगा 2/3, तो θ = बच्चों आया tan inverse 2/3। तो tan inverse 2/3 एक ऑप्शन है बच्चों, जो चारों हम लिखाए थे वो ऑप्शन ये करेक्ट है। तो हम तो ये कहेंगे कि आप फिगर बना लें, आप फिगर बना लें और उसकी सहायता से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो tan θ = जो एंगल आएगा बच्चों वो tan inverse 2/3 आएगा, तो ऑप्शन आया था। देखें बच्चे यहां से ये कोण आप लेंगे तो ये दूसरा कोण आ जाएगा, ये चीज मत कीजिएगा गलत हम बोल गए, ये कोण दूसरा आएगा, ऐसा नहीं कि 3/6 कर देंगे tan थीटा बराबर, यहां ये नहीं चलेगा, ये दूसरा कोण है। देखिए यहाँ इस स्पर्श रेखा से होके जाएगा तो ये कोण बड़ा होगा, ये वाला नहीं चल सकता, सॉरी। हाँ अब ये सवाल एकदम कंप्लीट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप का कोई दीवार वाला सवाल हो, फांद कर दीवार उस तरफ जाए इस तरफ जाए, तो इतना एक्स होता है ये वाई होता है, इधर का भी डिस्टेंस है, अगर टोटल डिस्टेंस मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो जाहिर है थीटा या कुछ पूछता है तो ऐसे केस में ये फार्मूला बड़ा कारगर है, y = यहाँ एक्स होना चाहिए था, यही गलती ये हुआ, यहाँ एक्स नहीं होता है, y = x tan θ (1 - x/r). तो ये बच्चों फार्मूला हम यहाँ से यहाँ तक ले आकर बनाए हैं, और ये हमारा क्या है प्रोजेक्टाइल का रेंज का फार्मूला है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल r = u² sin 2θ / g। तो साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करके हम सफाई से ले आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये फार्मूला भी आप बुक में अपने नोट में उतार लें और इसको याद रखें। कैसे, मैं तो समझता हूँ डेरिवेशन करके लिखेंगे तो आपको भरोसा रहेगा और बहुत आसान हो जाएगा, y = x tan θ (1 - x/r) वैल्यू रखने पर सफाई से एंगल आ गया। तो बहुत अच्छा सवाल था बच्चों, आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी आज का 14 सवाल देखा जाए, ये भी अच्छा सवाल है। हाँ तो कह रहा है 2 projectiles are projected at angles θ and 90 - θ टू द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड 20 m/s। तो ये दो है, दो ऑब्जेक्ट है वो 20 m/s के वेलोसिटी से फेंके जाते हैं, ये थीटा एंगल पे, एक 90 - θ एंगल पे। तो थीटा एंगल पर और 90 - θ एंगल पे बच्चों एक का थीटा है और दूसरे का 90 - θ है। तो ऐसे केस में आप जानते हैं थ्योरेटिकल वो रेंज क्या होता है, सेम होता है दोनों का। यदि किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल फेंका जाए या 90 - θ एंगल फेंका जाए तो रेंज क्या होता है, सेम होता है। यहां तक तो बात हो गई, और ये वेलोसिटी दोनों का कितना दिया है, मतलब u बराबर दोनों का 20 m/s दिया है। तो वन ऑफ देम राइज़ 10 m higher than other, मतलब एक की ऊंचाई दूसरे की तुलना में 10 m क्या है, ज्यादा है। मतलब h2 - h1 अगर आप कहें h2 - h1 = कितना दिया है, 10 m दिया है। हाँ, 10 m higher than other, दूसरे तुलना में 10 m क्या है, ज्यादा है। h2 - h1 हो या h1 - h2, अभी कौन ज्यादा ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन अंतर जो कितना आया 10 m। फाइंड द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, ये थीटा का मान आपको बच्चों ज्ञात करना है। तो हाइट का फार्मूला बच्चों h = होता है u² sin² θ / 2
जी होता है। ये फार्मूला है बच्चों। तो थीटा एंगल फेंका गया तो मैं यहां इसे एच वन कह भी दे रहा हूं और जी इक्वल टू दस दिया, सब वैल्यू रखो तो एच वन इक्वल टू यू, यू यू कितना दिया है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 × 20 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g देखते हैं, 2g 10, 10 × 2 = 20, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एच वन बराबर आया 20 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं एच टू कितना आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये जो बच्चों आया यू स्क्वायर वैल्यू भर देते हैं 20 × 20 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहां भी 2g रहेगा, यस बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g फार्मूले में, तो 2 × 10 तो यहां भी 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आया 20 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे 1 कहिए इसे 2 कहिए। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए घटाइए, तो ये हो जाएगा H2 - H1 इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो बच्चों 20 कॉमन है, दोनों में 20 कॉमन है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सब बहुत अच्छे सवाल है और कंसेप्टुअल सवाल है, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 20 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बचा है, यहाँ 20 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से इसको घटाएंगे 20 कॉमन में कॉमन ले लिया, ये अंतर हमको बच्चों दिया है 10 मीटर, ये हो गया 20, और ये फार्मूला है बच्चों कॉस 2 थीटा, जिनका ये कॉस साइन टैन ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उनसे रिक्वेस्ट है कि बेसिक मैथमेटिक्स 02 और 03 का वीडियो अवश्य देख ले बच्चे, वहां हर टाइप का फार्मूला जो हाई स्कूल लेवल तक होना चाहिए, इंटर लेवल तक जितनी हमको आवश्यकता है फिजिक्स में, सब हम वहां बता चुके हैं। कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहां तो ये भी बताया गया कि ये फार्मूला आया कैसे, डेरिवेशन करके बताया गया, तो बिल्कुल ये यहाँ कट गया, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू बच्चों 1/2 आया, और 1/2 हम लोग जानते हैं कॉस 60 का मान होता है, तो 2 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये बच्चों रहा आपका सवाल, तो आप इसे उतार लें। तो हाँ बच्चों, पांचवा सवाल हमारा देखा जाए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्टुअल है, ए पार्टिकल थ्रोन ओवर ए ट्रेंगिल ट्रेंगिल फ्रॉम वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स, तो ये आपसे कह रहा है बच्चों, ग्रेजिंग द वर्टेक्स का मतलब है वो ट्रेंगिल जो बना है वहां वो उसको स्पर्श करते हुए दूसरी तरफ जा, ये केस है, इसका मतलब है ये कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, और ये यही ट्रेंगिल आपका है ओ ए बी मान लीजिए, ये ट्रेंगिल हो गया। अब सवाल फिर पढ़ते हैं, हम समझते हैं अब हो गया होगा, यहां से देखिए पार्टिकल फेंका जाए, ए पार्टिकल थ्रोन ओवर ए ट्रेंगल, ये ट्रेंगल है ओवर ए ट्रेंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस फॉल्स ऑन अदर एंड, फॉल्स माने अदर एंड पे गिरता है, ऑन द बेस आफ्टर ग्रेजिंग द ट्रेंगल वर्टेक्स, ट्रेंगल के वर्टेक्स को क्या स्पर्श करते हुए दूसरी तरफ जाता है। हाँ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल ऑफ ट्रेंगल, तो अल्फा बीटा जो है ट्रेंगल का बेस एंगल है, अल्फा इनिशियल वाला हो जाएगा बाद वाला बीटा हो जाएगा, ये कह रहा है आर बेस एंगल्स ऑफ ट्रेंगल एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, जो ये एंगल है जो ये वाला एंगल है बच्चों वो है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है थीटा है, अब ये कह रहा है देन प्रूव दैट, आपको सिद्ध करने के लिए वो किताब वाला कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, या हो सकता है यही सवाल ऑप्शन में कर दे और ये चीज ऑप्शन में दे दे, तो निम्न में से कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा,
तो टेन थीटा बराबर दे देगा टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, या टेन थीटा बराबर टेन अल्फा प्लस टू टेन बीटा, ऐसे आगे पीछे करके चार ऑप्शन बनाएगा और एक ऑप्शन ये वाला जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सवाल अब देखा जाए भाई, ये चीज हमको ले आना है, आप लोग इसे ध्यान दें। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो पहले ये ट्रेंगल में देखते हैं, इस ट्रेंगल में देखते हैं, तो इसे यक्ष मान लेते हैं, हम लोग पहले से ही ये सब जानते हैं। तो अगर ये ट्रेंगल बच्चों देखते हैं तो इस ट्रेंगल में टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, वाई अपॉन यक्ष, किसी को एतराज नहीं। अगर इस ट्रेंगल की बात करें बच्चों तो अगर इतना यक्ष है तो बच्चों इसे क्या मानेंगे, आर माइनस यक्ष, भाई दोनों डिस्टेंस मानना पड़ेगा ना, ये तो हम लोग जानते हैं ना टोटल रेंज कितना होता है, टोटल रेंज आर होता है, अगर यक्ष है तो आर माइनस यक्ष बचा होगा। तो चलिए ठीक है, टेन बीटा भी यहीं से निपट लेते हैं, टेन बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर माइनस यक्ष, चलिए ठीक है। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा चाहिए राइट हैंड साइड से, पहले उसका इंतजाम कर लिया जाए। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू, टेन अल्फा का मान है वाई अपान यक्स, और टेन बीटा है वाई अपान आर माइनस यक्स, या इसे और सरल करना चाहे वाई कॉमन ले लेंगे तो आएगा वन अपान यक्स प्लस वन अपान आर माइनस यक्स। चलिए थोड़ा और सरल करते हैं, तो वाई है ये एलसीएम हो जाएगा यक्स इंटू यक्स इंटू आर माइनस यक्स, यक्स इंटू आर माइनस यक्स, तो यक्स से यक्स कटा होगा, आर माइनस यक्स से यहां गुणा होगा आर माइनस यक्स प्लस, अब की बार आर माइनस यक्स कटा होगा तो यहां यक्स आएगा, तो यहां यक्स यक्स क्या हो रहा है कैंसिल। तो जो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू बच्चों आ रहा है वो वाई आर अपान यक्स इंटू आर माइनस यक्स आ रहा है। एक तरफ हल किए तो बच्चों हमें इतना मिला, एक तरफ हल किए तो हमें इतना मिला। अब बच्चों देखते हैं, अब हमें जगह की आवश्यकता है, जैसे क्वेश्चन को हम हटा रहे हैं, आपसे उम्मीद है कि आप शायद क्वेश्चन उतार चुके होंगे, ये देखें। हाँ बच्चों इतना कर चुके, अब बताइए, अब टेन इधर वाले से इंतजाम कर चुके, इतना वैल्यू आया, अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके भी हल करो, टेन थीटा हमको चाहिए बच्चों, और टेन थीटा का अभी प्रोजेक्टाइल वाला एक फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया है, वाई इक्वल टू ड्राइव किया है बच्चों यक्स टेन थीटा इन ब्रैकेट वन माइनस यक्स अपान आर, अभी डेरिवेशन किया है इस फार्मूले का, देखो यहां संयोग से तुरंत उपयोग में आ गया, बड़े काम का फार्मूला है ये, अब वैल्यू यहां से रख दिया जाए, अगर कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत क्या, यही रहेगा। अब यहां से टेन थीटा का मान हमको निकालना है, बस टेन थीटा का मान निकाल देंगे और इसके बराबर करेंगे, देखते हैं अगर बराबर हो जाता तो ठीक है। तो ये हो गया वाई अपान एक्स इक्वल टू एक्स नीचे ले आओ ये टेन थीटा, चलो इसका एलसीएम लेते हैं, आर अगर लिए तो आर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स इतना है, अब आर से गुणा इतने से भाग, तो टेन थीटा इक्वल टू हो रहा है ये देखें वाई आर, और ये नीचे चलाएगा टेन थीटा, यही रहने दो भाई, इसको यहां जाएगा ये नीचे, इतना बटा टोटल नीचे जाएंगे तो आर ऊपर जाएगा एकदम, अरे वाई अपान एक्स बटे आर माइनस एक्स अपान आर, तो ये एकदम आर ऊपर जाएगा, तो वाई आर तो एक्स इंटू आर माइनस एक्स हो रहा है, इसे दो कर दीजिए बच्चों, आप देख लीजिए राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो यहां कहेंगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, समीकरण एक व दो से दोनों का राइट हैंड साइड क्या है सेम है, तो जाहिर है लेफ्ट हैंड साइड भी है बच्चों, क्या होगा तो आ गया टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो हम समझते हैं बच्चों आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, हमने केवल टेन अल्फा टेन बीटा का प्रयोग किया है, ये फार्मूला इस तरफ ले आए, और फिर ये प्रोजेक्टाइल का ये फार्मूला जो कि बहुत कीमती है हम आज क्लियर किए उसको, उसकी सहायता से पूरा सवाल हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। तो आप बच्चों इसे उतार लीजिए, तो
तो हाँ बच्चों ध्यान दें, ये कह रहा है तो मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेन इज 16 किलोमीटर, इज 16 किलोमीटर इफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड देन मजल वेलोसिटी ऑफ ए सेल मस्ट बी। तो इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम रेंज दिया है, ये मेडिकल का आया सवाल है। मैक्सिमम रेंज मतलब आर मैक्स, आर मैक्स बराबर फार्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी बच्चों होता है, और आर मैक्स दिया 16 किलोमीटर दिया है। बच्चों आपसे जो गलती यहाँ पे होने वाली है वो ये 16 किलोमीटर, अगर आप बदलेंगे नहीं मीटर में से तो ये 16 गुणे कितना 1000 16000 हो जाएगा, यही गलती। अगर 16 रख देंगे तो गए काम से, तब तो ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो यू स्क्वायर अपॉन जी कितना है 10 है, 10 दिया हुआ है तो ठीक है, तो 10 से गुणा कर देंगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 गुणे 10000 400 हो जाएगा। तो यू इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, ये 100 गुणे 100 दो जोड़ा में से ले लेंगे, तो ये 400 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, और इसमें शब्द का मतलब कोई विशेष नहीं, मैक्सिमम रेंज दिया है इतना, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला लिखिए उसमें वैल्यू रख दीजिए और तुरंत आपका आंसर मिल जाता है 400 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो सवाल में परेशानी है 16 किलोमीटर को लेके, लड़के कहीं झटका में 16 रख ना दे इसीलिए मेडिकल में आया होगा, तो आप इसे उतार लेंगे। तो हाँ बच्चों देखें, ए पार्टिकल, लास्ट सवाल है बच्चों, अब जल्दी से मुझे खत्म करना है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, प्रक्षेप का पहला एंगल u 45 डिग्री विद ए हॉरिजॉन्टल, विद ए हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के साथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी, ये सब आंसर दिया है। तो चेंज इन मोमेंटम का बच्चों में डेरिवेशन किया हो, आप चेंज इन मोमेंटम जो फार्मूला आया था इससे पहले वाले वीडियो में वो आया था 2mu sin थीटा, यहाँ प्रारंभिक वेग v दिया है तो 2mv sin 45, sin 45 का मान 1/√2 होता है और 2 को लिख सकते हैं √2 √2 से √2 कट गया, √2mv आया। तो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट है आपका। एक जगह मैं थीटा बराबर ले आया था बच्चों अभी सवाल में 30 डिग्री, तो दूसरा आंसर जो आया था 90-30 वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब दो आंसर आना था उस सवाल में, तो मैं केवल 30 कर दिया, 90-30 करके हटाना भूल गया। तो आप ये ख्याल करिए, तो बच्चों आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।